मेरा पैगाम ये सब गौर से सुन लो, भले कोई खुश है या मजबूर भी है, ईद का दिन है, गले सबको लगा कर मिलिए, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ऐसा करना है बहुत जरूरी, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बोस की कमीज, सफेद सलवार और काली वास्कट, ये पहनते हैं जो सीरियस समझदार लोग होते हैं। सर अच्छे कपड़े पहनना भी एक फन है। फन है मतलब सारे असि दो बंदे ही बस सही। अच्छा मुझे सबसे बड़ी हैरत ये हुई कि ये भी अपने आप को बंदा ही कह रहे हैं। अभी ना कह रहे हैं बच्चों कह रहे हैं सारे घर बढ़ा के कि जो सबसे ज्यादा मेरी बात मानेगा उसे मैं ईद दूंगी। तो बच्चे कह रहे मामा इस तरह तो सारी ईद पापा ले जाएंगे। बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमानों को, कराची से बुलाया हुआ है, दोनों ही अदाकार हैं और स्टार्स हैं। लास्ट टाइम हमारे शो में दोनों अलग अलग आए थे और आज ये पहली दफा इकट्ठे आ रहे हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा हिबा कादिर और आरिज अहमद। वेलकम टू द शो जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, ईद का दिन है और खुशियां डबल हो गई। हिबा कादिर और आरिज अहमद एक्ट्रेस और एक्ट्रेस थे। ये जब पहले पहल दोनों यहाँ तशरीफ लाए थे, मगर ठाकुर ये दोनों आज की शब एक नए शादीशुदा जोड़े की हैसियत से यहाँ जलवा फरमाए हैं। इन्हें अब ईद की खुशियों के संग शादी की खुशियां भी मुबारक। क्या बात, मेरे कोलों पुछो ना हाल गरीबां दे, हाल गरीबां दे, मेरे कोलों पुछो ना हाल गरीबां दे, इत्थे की नहीं हुंदा नाल गरीबां दे, ईद दिहाड़े मैं की वेख्या यारो, मुद्दे वजे होए ने थाल गरीबां दे। ये गम मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, ना जाने मेरा दिल क्यों डूबा जा रहा है। जिसकी याद के सहारे मेरी चांद रात गुजरती थी, आज वो बेवफा किसी और के साथ ईद मना रहा है। हिबा जी और आरिज, पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, बल्कि ड्यूल मुबारक है आप लोगों की, तो इस बार बनती, ये पहली ईद है आई बिलीव आप लोगों की, माशाल्लाह जबरदस्त। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। और आप सुनाए सर, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने शुरू में कहा कि लास्ट टाइम जब आप दोनों आए थे तो आप अकेले अकेले आए थे और वो इतनी को पुरानी बात नहीं है, खासतौर पर आरिज आप तो बहुत ही रिसेंट आए थे, अब आप आए हैं इकट्ठे, कैसा महसूस हो रहा है? सोच रहे होने कि उदो ही ठीक थी। नहीं अभी उनकी शादी को 30 साल नहीं गुजरे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों पहले से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। क्या बात है। सच बताएं, ऐसी कितनी बातें आपको सुनने को मिलती हैं? एक्चुअली बहुत सारी, और ये ऐसे हुआ था कि शादी से पहले हम क्योंकि अलग अलग शूट कर रहे थे और बहुत हेक्टिक हमारा स्केड्यूल था, लेकिन फिर भी लोग आके ना, वो डायरेक्टर कहते थे सैड सीन है प्लीज इसको ना थोड़ा फ्रेशनेस कम करो, मैंने कहा क्या करूं, मैंने नहीं किया, मतलब वो कह रहे थे कि बहुत ग्लो कर रहे हैं, इनको भी ऐसे कह रहे थे, हालांकि हम बीमार भी थे, दे बोले कि आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। अच्छा आप दोनों यानी कि बीमारी में भी माशाल्लाह ग्लो कर रहे थे शादी से पहले, इतनी खुशी थी। बहुत खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर ये हमें यही मिलता है कि शादी के बाद और निखर गए, यानी कि शादी से पहले ग्लो आ जाता है, ग्लो आ तो जाता है माशाल्लाह। तो आप बताएं सर, अकरम साहब जी अल्लाह का शुक्र है, उधर सारे अमीर लोगों की शादी होते ग्लो आंदा, इधर करियाने वाला आंदा, पैंटा वाला आंदा, कुर्सियां वाला आंदा, बाजे वाला आंदा। से पहले ये बताएं कि आप जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे तो आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा था? कैसा? जैसा कि आपने कर दिखाया। मेरे जहन में तो
तीन चार साल से चल रहा था। अच्छा, तीन चार साल से चल लेकिन रहा सिर्फ जहन में ही चल रहा था। इनके मुतालिक चल रहा था या वैसे ही आपने सोचा हुआ था? नहीं, कि नहीं, इनके ही मुतालिक चल रहा था। लेकिन ये इजहार कैसे किया इनको प्लीज जरूर बताइए कि इजहार कैसे किया, कैसे प्रपोज किया। ये निदा यासिर की छोटी कजन है। चले, अब इन्होंने आपके भाई ने पूछ ही लिया तो बता ही दीजिए। तकरीबन शुरुआत करियर के साथ ही की थी हमने। बोली बानो हमारा प्ले था, तब कुछ ऐसा था नहीं और बड़े अच्छे तरीके से हम काम कर रहे थे, बट हम बहुत कंफर्टेबल थे और हमारी केमिस्ट्री जो थी वो अच्छी थी। ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी अच्छी ही थी हम लोग। मतलब अगर कुछ और भी होता था हम साथ बैठ जाते थे या बात कर लेते थे। कोई प्रॉब्लम होता था आई यूज्ड टू गो अप टू हिम, वो भी मेरे पास आके बात कर लेते थे। फिर एक टाइम पे ही वाज लुकिंग एट मी, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप मुझे मत देखें। अच्छा, तो कहता है अच्छा और कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग वापस काम करने लग गए, बात खत्म हो गई और फिर हम अलग अलग काम कर रहे थे। फिर हमने एक और अपनी बिस्ती सी महसूस हुई तो मैंने फिर नहीं देखा बहुत अरसा। और पाकिस्तान जी तुसी कल्ले ही थे जिन्होंने ये महसूस हुई, सानू नहीं जे हुंदी। निशानी कि उसने वहीं पे उसकी तर्दीद की और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। बिल्कुल। वैसे लास्ट टाइम जब आप आए थे तब आपने कहा था कि वो आप रमशा खान के साथ काम करना चाह रहे थे और आप वो अलीजे शाह को सीक्रेटली फॉलो करना चाह रहे थे। ये सब करते हैं, यही बात है। पहला जोड़ा जो ईद वाले दिन लड़ेगा आपस। तो वो आपने बताया हुआ है ना इनको, वो आपने एपिसोड देखा हुआ है वो वाला? बिल्कुल देखा हुआ है। और मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी कहते हुए कि मैंने फोन पे सारी भेज दी थी। अच्छा, तो ये बातें हुई हैं और मैंने काम करने की बात की थी, मोहब्बत तो मुझे होगी। नहीं नहीं, मगर आपने अच्छा सीक्रेटली जो फॉलो करना था वो आपने किया फिर? नहीं, क्यों? सीक्रेटली करने की जरूरत सीक्रेटली करने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जो भी बातें आप पहले करते थे आपने सब बता दी मैं इनको? नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं देखती थी ना सेट पे, बस सर, आप एक समझदार आदमी हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कि सारी बातें नहीं बतानी होती। जब आप प्रोग्राम पे आती थी हम इतना शादी का पूछते थे, इतना पूछते थे, उन्होंने कर लीजिए पूछो हूँ। आरिश भाई, जब बात आपने कहा मुझे बिस्ती सी फील हुई बात, फिर दोबारा कैसे? अच्छा, वो अपने मतलब की बात है। ये अगर हो जाए इंसान के साथ उसके बाद क्या करते हैं? आरिश प्लीज उनको बता दें कि उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कैसे? उसके बाद हुआ ये कि फिर एक प्ले किया हमने साथ, हमें ऑफर हुआ, वहां से फिर बातचीत, वहां से इन्होंने कहना मुझे छोड़ दिया कि मुझे ना देखो। जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हां, रिजेक्ट तड़प और तड़प में, अगेन तड़प में हम लोग बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे थे और तड़प के तो छोड़ ही दो। ड्रामे का नाम ही तड़प था। तड़प के नाम पर क्या कास्टिंग हुई थी? लेकिन उसके अंदर इट वाज नॉर्मल। उसके बाद फिर हम वापस अलग अलग काम करने लग गए। फिर हमें एक लाहौर से प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, इंतहाए इश्क। तो उसकी हम शूट करे थे, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट ही पूछ लिया इन्होंने? इतना ही, क्योंकि वो पॉइंट ये था कि हमारे दिमाग में हम दोनों कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे। तो मैंने कहा कि अच्छा आप अपने अब्बू को बोलो कि आके बात कर लें। तो उनके अम्मी अब्बू ईद पे आए और उन्होंने बात कर ली, तो पिछली ईद पे आके बात की। अच्छा, तो उसके बाद आपने इनसे कहा नहीं कि मैं समझी थी कि आप मजाक कर रहे थे? आप तो सीरियस ही हो गए। नहीं कहा आपने ऐसा? आपने भी कभी शक नहीं होने दिया? कुछ था नहीं ना। अच्छा, उस वक्त आपकी तरफ से तो नहीं था, वो ही अकेले जो थे वो लगे हुए थे? हम खुद शक व शुबात में थे। अच्छा, ही इज लाइंग, अभी से शुरू कर दिया तुमने? मैं तो बहुत पहले बेटे छोड़नी थी पिछले थोड़ी देर के लिए आदत। ये क्या बात की? मगर एक चीज तो मुझे अच्छी जो लगती है, आपसे आपकी शादी से कुछ अरसा पहले ही मेरी मुलाकात भी हुई थी और आई थिंक कोई दो एक हफ्ते पहले या तीन एक हफ्ते पहले शायद हुई होगी और उस वक्त ये खबर तकरीबन आउट हो चुकी हुई थी कि अभी होने लगा है। आई थिंक कितने महीने बाद शादी थी? हाँ, महीने बाद उसके शादी हुई थी आपकी। तब भी आपने मुझे बताया था, तो मैंने कहा था कि आपने बड़ा और आपने कांग्रेचुलेट किया था और मैंने इनको बिल्कुल मुझे बताया भी। बिल्कुल, मैंने जब आपने इजहार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर आपने क्या इनको कहा? मुझे कहा है आप भी शर्मा रहे हैं? क्योंकि मैंने भी करना ना किसी को यार, हम अगले एपिसोड में किसी और नु करांगा ये। बेटे अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूं। शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है, मिठाई महंगी है लेकिन खिलाओ, ईद का दिन है। ये ना सोचो कि हल्की हो रही है जेब तेरी, कि तुम बस ईदियां ही देते जाओ, ईद का दिन है। कि मिल ही जाएगा दोबारा से तुमको नया मौका, पुरानी रंजिशें दिल से भुलाओ, ईद का दिन है। ईद मुबारक।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आरिज़ ये बताएं, आपकी फैंस को कैसा महसूस हुआ है? मैंने देखा उनके फैंस तो बहुत खुश हुए, हमने देखी बहुत सी वीडियोस वगैरह भी। नहीं हुए? अच्छा नहीं, आपके भी फैंस खुश नहीं हुए? मैं वैसे कवर कर रहा था। मतलब बहुत सारे फैंस बहुत खुश हुए। हाँ, हम बहुत दोनों का बहुत एक अच्छा, जैसे बहुत सारों ने तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इवेंट्स मनाए भी हैं हमारे। हाँ, अच्छा, आपस में ग्रुप्स बना के। और हमारे इतने फंक्शंस वगैरह कुछ नहीं हुए थे, तो इंस्टाग्राम पे रोजाना आता था कि आज हम आरिज और रहबा की मेहंदी कर रहे हैं, आज मायूं कर रहे हैं, और इस तरीके से ये फैंस जो थे, जो कि मेरे फैंस थे, थैंक यू सो मच। और आपके जो फैंस थे वो तो बहुत खुश हैं, अब भी बहुत खुश हैं, है ना? तो बहुत सारे, अच्छा ये मिक्स सा रिस्पांस आया दोनों के लिए, कि मतलब आधे बहुत खुश हैं, आधे कह रहे हैं अब फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऐसे वाले भी आए हैं? वो एक जो बताया था मैंने, याद है कि आपने ठीक नहीं किया ये करके। किसने? आपने? उन्होंने? मैंने। आपने ठीक नहीं किया? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा, और आपने ये कर दिया? ये वाले गिले शिकवे भी आना शुरू हो गए। हां, मेरे पास वाले अगले अगले मैं सारी चॉइसेस जो है आपसे पूछ के कर लूंगा। अब ये वैसे, हां ये भी एक होता है कि फैंस कई जो है बहुत जज्बाती हो जाते हैं। राइट, हां उन्हें लगता है कि हमारे वो भी होते हैं। और नहीं, वैसे ही माशाल्लाह इतना गुड लुकिंग अगर आदमी हो तो फिर वैसे आपने लुक्स पे तो इनको बिल्कुल नहीं जज किया होगा। नहीं है ना, मुझे पता था। नहीं, क्योंकि हम जब हम पहले काम कर रहे थे तो उन्हें पता होगा कि मुझे प्यारे लड़के नहीं पसंद थे, लेकिन अब अच्छे लगते हैं तो बहुत प्यारे। आपने कहा कि इसमें शक्ल का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि जब आपको पहली दफा नजर आए थे तो इतने प्यारे नहीं थे। नहीं, इससे ज्यादा प्यारे थे। अच्छा, इससे ज्यादा प्यारे थे और बाद में फिर कम हो गए। विद पैसेज ऑफ टाइम, ऐसे में आप रोजाना काम कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, जो उस वक्त हम वी बोथ वर वेरी यंग, वो हमारे वेरी यंग, ये कोई इतनी पुरानी 6 महीने पुरानी बात है। 6 महीने नहीं, मतलब 5 साल पहले वी वर सो यंग, तो इसके बाल थोड़े ऐसे लंबे लंबे से थे, ऐसे ही करके गिर रहे होते थे, और बिल्कुल आपने देखा मुझे मना कर दिया था कि मुझे देखना नहीं। हाँ, और खुद डिटेलें देख रहे हो। खुद डिटेलें देखे बिल्कुल। जिन्होंने लंबे बाल सुनो तुम पसंद आ गए, जिन्होंने ताड़ी खाते ट्रांसप्लांट कराया उन्होंने की। सच्ची सच्ची बताया हमने मान से, गूगल किया था कभी आपने इनको? नहीं नहीं किया। नहीं, आपने किया था? नहीं किया। अच्छा, वैसे ही आप ये कहाँ देखती थी इनके ये पुराने बालों वाले फेस? नहीं नहीं, हम साथ में काम कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त थे? उस वक्त थे, मगर वो देख नहीं रहे थे आप इनको, कन अखियों से देख रही थी? नहीं नहीं, मैं इनको सामने ही देख रही थी। तो मैं जब इनसे पहली बार मिली थी तो इनके बाल लंबे थे, जब मैं इनसे दूसरी बार सेट पे शूट के टाइम पे मिली तो इनके बाल कट गए थे, तो मैंने इनसे पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा यू कट योर हेयर, बस इतना ही। उसके बाद कितना बैठे? अच्छा, तो ये कितना तमीजदार वैसे लड़का है ये देखिए, और अभी तक कोई वैसे शिकायत तो नहीं आई? बहुत आई है। अच्छा, अभी से? अभी से? अच्छा भाई बताइए जरा कौन सी वाली है, किसी का तो अजाला करें ना। वो शादी से पहले ही आई थी, और आई थिंक मैंने शादी से पहले जिस वक्त आई थी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये ऐसा है, उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो है, मैंने कहा ठीक है सही, मैंने कहा अब आगे का बताओ, उसने कहा नहीं होगा, मैंने कहा ठीक। लेकिन उसके बाद कोई अफाका हुआ? फिर मैंने डिग इन किया ही नहीं, फिर मैंने कहा आप चाहो कोई बोलता, मैं कहती यार नहीं सुनना। यानी कि ये वाली बातें होती हैं? आई थिंक होती हैं, आप जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगी इसके अंदर ये है कि बहुत सारी जगहों पे हम जहाँ गए हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग थे, चाहे वो स्पॉट बॉयज हो गए या जो छोटे छोटे हर जगह से हर फील्ड के जो लोग थे, वो आए और सब लोग कह रहे थे आप कितनी अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप दोनों साथ में आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये क्योंकि आपको पता है हम जैसे काम कर रहे होते हैं, बहुत बार आप नहीं ध्यान देते कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, आप सिर्फ अपना कर रहे होते हैं, लेकिन सबने हम दोनों की ऐसे तारीफ करते थे कि हाँ दोनों साथ में दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप जोड़ी है भी बहुत अच्छी, माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, शादी के बाद आप दोनों की वर्क लाइफ में क्या डिफरेंस आया? हम मजीद बिजी हो गए, बहुत काम कर रहे हैं। इकट्ठे ही प्लेस कर रहे हैं या अलग अलग? अलग अलग कर रहे हैं। अभी तक कोई आपका इकट्ठे कास्टिंग आपको किसी ने कहा नहीं अभी तक? अभी क्योंकि मेरे भी पुराने प्लेस चल रहे हैं, इनके भी पुराने प्लेस चल रहे हैं, हम उसी को भी सॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसी को भी यानी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नया अभी तक नहीं आया जिसके अंदर आप दोनों को इकट्ठे काम करने का हो? पाइपलाइन में है चीजें, पाइपलाइन में है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ऐसा काम की बातें तो यार छोड़े, आज ईद का दिन है, आपकी फर्स्ट ईद है, तो कितनी ईदी दी इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे एनवेलप दिया, इन्होंने कहा पूरी ईद पे खोल के नहीं देखना, ईद के बाद खोल के देखना। तो मैंने बस फिर वो पर्ची भी लिखी होना कि मेरे हालात नहीं ठीक है। आप लोगों ने मेंशन किया कि आप लोग शादी के बाद काफी ज्यादा बिजी हो गए हो, तो आप लोगों का वैसे क्या ओपिनियन है, अगर सेम फील्ड के जो कपल होते हैं वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को या नहीं? यानी अगर आप किसी और फील्ड से होती तो ये जो बिजी होना, आई थिंक डिपेंड करता है। मुझे कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या जो भी सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ डिपेंड करता है, आप नहीं कैटेगराइज कर सकते कि वो मेरी फील्ड का होगा तो समझ सकता है, बहुत सारे फील्ड के होके नहीं समझते, बहुत सारे बाहर से ओके नहीं समझते, बहुत सारे बाहर वाले ज़्यादा समझते हैं,
क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है आपकी फील्ड का, और कुछ लोग होते हैं जो आपकी फील्ड के होते हैं, उन्हें पता होता है कि इतने टाइम बाद तुमने घर आ जाना है, तो इसके बाद कहाँ थे तुम? दस बजे पैकअप हो जाता है, तो उसके बाद तो फिर तो आपको आ जाता है 10:15 बजे फोन? नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, क्या वो बाहर निकलो। ये गाड़ी जो है ये आप भिजवाती हैं या खुद चला कर आती हैं? खुद आती हैं। अच्छा, खुद ही आप? 10 मिनट छुट्टी होगी, 10:05 तो हो गए, आप बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? मैं बाहर खड़ा होता हूँ। Good, how are you? I'm really very happy today. अच्छा, मेरी मामा जी चे डोनाल्ड ट्रंप जी सुला हो गई। अरे ना करें। ईद के ऊपर? Yes. क्या बात है? You know मेरी मामा जी खाला जी कुड़ी दा मुंडा है। I know. उन्हें मेरी पापा नाल बदतमीजी की थी। बिल्कुल। ओ मेरे पापा ने नवा मोटरसाइकिल लिया। हाँ। स्टार्ट करके ना मेरी मामा दा इंतजार कर रहे सन। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप गेयर पा के दौड़ गया। मेरे पापा कांधे च वजे सन। ओ फिर जो इन्होंने आपस च खराबी हो गई। सुलह हो गई। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहता मैं तुम्हारे बेटे फैबुलस का रिश्ता करा दूंगा। सुलह हुई है। अरे वाह। यस, माय मामा कॉल मी लास्ट नाइट। मैंने कहते ने सैटरडे इवनिंग तेन असी वीडियो कॉल से तेरी होने वाली मैं दिखाना उन्हें ने। बट मामा ने किया अपना हेयर स्टाइल ठीक कर। अच्छा, कहंदे ने फालसे चौधरी वर्गे वाल रख। वो कहंदे ने तुहाडे वर्गे हेयर कटिंग कराओ। अच्छा, फेशियल कराओ। वीडियो पे तुम जब उसे पसंद आ जाओगे तो फिर तुम्हारी मैरिज पार्टी होगी। जे तू एक शादी करानी है तो उंज दी कटिंग करा, जे दो करानी है इंज दी करा, जे तीन करानी है ते फिर तू ना भाई ना कराई कटिंग। सो कुड यू प्लीज गिव मी द एड्रेस ऑफ सैलून? यार आई विल डू दैट, बट राइट नाउ आई एम लिटिल बिजी विद द शो। ए आई डोंट बेबी। I'm sorry about that. तुम्हें कितनी दफा मना किया कि ऐसे बात नहीं करते? I'm sorry, मेरी फ्लो बनी हुई है ना। तुम्हारी फ्लो अमेरिका के हिसाब से बनी है, पाकिस्तान है। I'm sorry, ma'am. कैनी पार्टी देने? पार्टी के नहीं है, दोनों एक्टर्स हैं, दोनों अभी रिसेंटली दे गॉट मैरिड। लेकिन अज तेन 5,000 रुपए मिल सकता है सलामिया के पैसे। मैनू सिर्फ कटिंग फेशियल के पैसे चाहिए। दुले भी हाल, दुले भी हाल। जे वाइफ ना प्यार कर दे होंगे तो देंगे 5,000। बाजी का की नाम है हिबा। मैं डेडिकेट यू अ वन सॉन्ग प्लीज। सम्मी मेरी वारी, मैं वारी हां तो सुननी। पहली बार मैं हारी, दिल हारी आने सुननी। पहली बार ईद के दिन मांग रहे हो, पहली दफा वो आए हैं, मैं करवा दूंगा तुम्हारा काम। हां, वैसे इस वक्त तो आपको सलामी देनी चाहिए। हां, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उसी मैं शादी की खुशी च देंगा ऐसा। थैंक यू बाजी। हेलो ए 5,000 अरीज भाई। हेलो नहीं उनको देनी है। नहीं नहीं अपने वालों में तो कोई साडे लो तेनु जवाब दी है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਹੋਰ ਦੇਵੇ। तंग आ गया ये। किससे? ईमान में सरकारी ड्यूटी हैज बीन त्रिगड़दाम। अच्छा, छोड़ देती मैं हूं सरकारी ड्यूटी, मैं नहीं करता। अच्छा, हुकूमत ही समझ नहीं आती भाई। हाँ करो ता मरने, ना करो ता मरने। भाई घर ही नहीं जा सकते। हाँ। मैं क्या बिन। अच्छा, मैं ट्रैफिक अपनी ड्यूटी करा ली। ना करें, 8 घंटे ड्यूटी करना, 16 घंटे घर। सारे बांडे छंडे मैं आप ही दोना। सब तो अच्छे मैं थोड़ा ना घर। अच्छा, ओ फिर मैं ही दोना। ठीक है। हाँ, मैं के सुकून करो। लेकिन यार ट्रैफिक जाके भी दुख बड़ा है। क्यों भाई? मैं सुने के
कौमों का पता चलता है ट्रैफिक के निजाम से। यार बड़ा गंदा निजाम है। क्यों? चार मुंडे आ रहे, चार अच्छा मोटरसाइकिल दे उत्ते, नाके दे उत्ते मैं खलोता, मैं कह रुक, रुक गए ने। हाँ। मैं कह यार डबल सवारी मन है। हाँ। ते तुसी चार बैठे हो। हाँ। ओ चौथा लच्छा ते कहना ओए ओ पंजवा किथे जने रोटी खवा दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਗਿਆ ਨੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ। ਬਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਫੀਡਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਛਾਪਰ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇ ਇਹ ਸਰਕਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਜਾਨਬ ਸੇ ਆਪਕੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਆਪਕੋ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਆਪਕੋ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਰਜ਼ਾ ਮਨ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਬਾ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੀਬਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਹੀਬਾ ਕਾਦਰ ਕੀ ਹੀਬਾ ਬੁਖਾਰੀ? ਹਮਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾਸ ਹੀ ਗਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਕ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕੀ ਬਰਥਡੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੀ? ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ, ਨੀਲੀ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਬਾਰਕ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹਰਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸਰ। ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ ہبا موسیقی کا بھی شوق رکھتی ہیں اور گا بھی لیتی ہیں، تو بھائی آپ کا بھی کوئی ہے ایسا؟ یہ بہت اچھا گاتے ہیں۔ کون سا گانا گنگناتے ہیں آج کل زیادہ؟ محمد رفیع۔ رفیع صاحب کون سا؟ رفیع صاحب کا کون سا؟ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، اوئے ہوئے ہوئے، ذرا پلیز سر تھوڑا سا اگر آپ کرنا چاہیں۔ وہ تو گاتی ہیں مجھے پتا ہے، ان کو تو میں نے سنا ہوا ہے بہت۔ سی مائنر۔ او ہو، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چائی ہو،
हवा जरा महक तोले नजर जरा बहक तोले ये शाम ढल तोले जरा ये तो लगता है अच्छी खासी प्रैक्टिस आप करते रहे हैं इस गाने के साथ। आप वो उनको सुना दे तुम जो मिल गए हो। तुम जो मिल गए ये कौन सा गाना है सुने नहीं तुसी बहुत मुश्किल है तुसी सारी जिंदगी होगी सुने नसीब साढ़े लिखे डॉक्टर आमिर लियाकत और उनकी बेगम जो थी कोई इंटरव्यू दे रही थी तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि भाभी जरा डॉक्टर साहब के लिए गाना सुना। उन्होंने कहा कि मैं तेनु इतना प्यार करेसा तू आग से बस होए बस होए। तो मैंने कहा सर्च तो करके देखूं कि क्या गाना है और फिर मैंने वो सर्च किया बहुत अच्छा गाना है। देखा हमने देखा और जो सुर भाई ने बहुत अच्छा गाया है एक्चुअली बहुत अच्छा गाया है और उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया ना बस है बस है बस जी तो हम अपना 2020 खेलते हैं आपके साथ। आप दोनों ने ही खेला हुआ है ऑप्शंस और उनके साथ उन्हीं में से जवाब। तो कौन पहले खेलना चाहेगा? बेगम। बेगम जी आप जाएंगी पहले। Are you okay with this के पहले आप खेलें? I'm always okay whatever he says। ओए होए होए। हिबा जी। जी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई तीन लोग मौजूद एक के साथ है सेल्फी एक के साथ स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जोया नासिर यशमा गिल और मावरा हुसैन। तो ये बताए सेल्फी किसके साथ है? जोया के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? मावरा को। और फ्लोर आ गया है? यशमा बिकॉज़ उनका फ्लोर आ गया होगा। उनका आ गया होगा ठीक है। ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है किनका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह ताकि घर का माहौल थोड़ा सा और सुकून रहे। सुकून रहे ठीक है। ये बताइए मैडम चांद पर जा रही हैं किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ होंगे वो टाइटैनिक पर जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात के साथ टाइटैनिक के ऊपर जबरदस्त। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रही हैं? ऑप्शंस हैं दानिश तैमूर और जुनैद खान। दानिश तैमूर को दे दूंगी। जबरदस्त ठीक है। आरेश भाई आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम एक कॉल का बैलेंस मौजूद वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीलम मुनीर और जरनेश खान। नीलम मुनीर। नीलम मुनीर। अरे वैसे कमाल बात यह है कि आपने पिछली बार जब आया तब भी आपने सवाल का यही जवाब दिया। यही जवाब। बिल्कुल यही जवाब। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप मेरी? कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूं। आप देख रही हैं कंसिस्टेंसी? मैं देख रही हूं। ये बताइए फिर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में आप भी किसी को साथ लेके जा सकते हैं किसको वहीं छोड़कर आना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और गौहर मुमताज। किसको छोड़ के आऊंगा? हाँ यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को छोड़ देना है ठीक है। बड़ा जानते हैं यासिर भाई। टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यशमा गिल और रमशा खान। रमशा खान। अच्छा पिछली बार आए थे ना तब भी टाइटैनिक पर रमशा ही गई थी साथ। कंसिस्टेंसी खुश होना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंट इंसान हूँ बड़ा। और मजे की बात यह है कराची की फ्लाइट 1.5 घंटे की होती है और बंदा जहाज में से तो कहीं जा भी नहीं सकता। इन्होंने जल्दी पायलट में गाना इधर मैच लाना इधर। मगर ठीक है रमशा खान पिछली बार भी इन्होंने कहा था ये नीलम मुनीर पिछली बार ही इन्होंने कहा था और बस ठीक है। अभी तो बहुत सारे नाम आपके ऑप्शन में नहीं है जितने इनके पास ऑप्शंस हैं। हाँ हाँ आप मुझे बताएं ना मैं डालता हूँ छोड़े आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ये ठीक है स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं साथ में एक सीट बाकी है सिर्फ
किसको लिफ्ट देंगे ये आप बताएं, नाम आपकी मर्जी के मैं डाल दे। नहीं, आप ही दे सर। अच्छा मैं दूं, चलें फिर ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं, हाजरा यामीन, सबा कमर, माहिरा खान और यासरा रिजवी। इतना सेफ ऑप्शन दे रहे हैं आप। तो बताए ना आप, ये आप अभी मुझे आप बताए नाम कौन से होने चाहिए, कोई एक दा नाम ही बता दें। चार तो मैं दे चुका हूँ, दो नाम दस दे जो तो कर लड़ाई पे। हाजरा के साथ चला था। हाजरा यार पिछली बार भी यही कहा था सर। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, बताएं फिर कोई। अच्छा देख लें फिर, कोई भी। सबूर अली, जरनेश खान और बताएं कोई, आप बताएं जो दिल करे। अभी बड़ा नादर मौका है, एक ही लाइफ जैकेट है इसलिए बता दें आप। वो मुझे पता है ना, उनकी स्मार्टनेस मुझे पता है इसलिए मैं वो दे नहीं रही। मुझे अरे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इनका जवाब भी पता है इसलिए मैं कह रही हूँ आप कुछ भी ऑप्शन दे दें। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि क्या नाम लेंगे ये, आप मुझे बता दें पहले। कुबरा खान। चलें उन्होंने तीन दे दिए, कुबरा खान भी कर लें, सबा कमर भी डालते हैं बीच में, ठीक है। और कोई? और भी, उर्वा हुसैन भी कर लेते हैं, ठीक है। मावरा हुसैन भी कर लेते हैं। भाई आप ये देखो, आप ये देखो, सारी इंडस्ट्री की लड़कियां हैं और आपके पास एक जैकेट, एक लाइफ जैकेट है। बताइए आप सर नाम देखे, सबा कमर, जरनेश खान, मायरा खान, सबूर अली और कौन कौन सा, तो नाम ही मैंने इतने लिए हैं। अपनी वाली भी छोड़ के कूद जाऊं? आप अपनी नहीं उतार सकते लाइफ जैकेट, आपने एक ही है, वो किसको देनी है? मावरा हुसैन को देंगे। अरे ये एक सवाल इन्होंने इस बार चेंज किया, पिछली बार इन्होंने मायरा खान को दी थी। हाँ ये देखे कितनी बुरी बात है ये, देखा आरिज बदल गए ना तुम। शादी के बाद मुझे ये डर था कि तुम बदल जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो आरिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को बहुत मुबारक हो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।